हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 2। आई होप आपने लेक्चर 1 को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इस साइड में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आई लिखा होगा, यहाँ से आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना। और एक बात, जो लोग बोल रहे थे कि मैं एसवी वर्क्स या बुक और कवर नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करके दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मैं अभी कर रहा हूँ एमबी पब्लिकेशन से। अब हमको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, एमबी पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। अगर आप उतना कर लेते हो, जितने भी लेक्चर्स में करने वाला हूँ, इसको पूरा कवर करने वाला हूँ, इतना अगर आपको अच्छे से आ जाता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर प्रैक्टिस करोगे किरण का बुक निकाल के, लगभग 90% या 85% रिपीटेटिव मिलेंगे। सब कुछ मिल जाएगा आपको वहीं पे, बढ़ा हुआ लगेगा, क्योंकि जो भी एमबी पब्लिकेशन में है, लगभग 85% आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएगा। और अगर आप एसपी बक्स में पढ़ोगे फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वही 85% 90% फिर से रिपीटेटिव ही मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है एमबी पब्लिकेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पोर्शन जो हमको पढ़ना ही है, जैसे भी हाल में हमको पढ़ना ही है, तो उस टाइप के पोर्शन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किरण बुक जो है वो प्रैक्टिस वाला है, वो खुद से आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो लोगों ने पर्सनल गाइड ज्वाइन किया है, वहाँ पे मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में वहाँ पे गाइड होगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 300 देख के ज्वाइन कर सकते हो। वो वाला वीडियो देखो, उसमें प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि कैसे ज्वाइन करना है आपको। चलो आज को क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला देखो क्या दिया है, बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैक बर्नर का मतलब होता है कोई चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना। ठीक है, कोई चीज़ को नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस, ऐसे मैं लिख ले रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए बस। किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना मतलब, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप, मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, ठीक है, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसको ध्यान नहीं देके और किसी चीज़ में ध्यान दे रहे हो। उसका मतलब क्या है, आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, जैसे जिससे ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाए को हम बोलते हैं बैक बर्नर। नेक्स्ट देखो, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है। समझ में आया? ऐसे लोग हैं आजकल जो हमको एडवाइस देते हैं, खुद नहीं करते, दूसरों को एडवाइस देते कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उन्हें बोला जाता है बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट देखो गाइस, ये सब आप कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं आपको सब पीडीएफ दे दूंगा। जब खत्म हो जाएगा सारे लेक्चर्स, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप सुनो वीडियो को, अच्छे से देखो बस। नेक्स्ट देखो, बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब क्या है, किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। क्या बताया मैंने इसको, कि मतलब जो कमज़ोर इंसान है या कमज़ोर व्यक्ति है या कोई मतलब गलत इंसान को क्या करना, समर्थन करना। ठीक है, आप उसको एग्री कर रहे हो, उनको आप मतलब वो जो बोल रहे हो उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स, मतलब आप गलत घोड़े को आप सपोर्ट कर रहे हो। इस मीनिंग से यहाँ पे ये मुहावरा बताया गया है। नेक्स्ट देखो, बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब क्या है, ये वाला नॉर्मल ये पता ही होगा, बैक टू बैक हम यूज करते हैं बहुत जगह पे। बैक टू बैक मतलब कोई चीज़ के बाद तुरंत, अगर जैसे मैं बोलूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बैक टू बैक आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस भी करना है मॉक टेस्ट, तो पढ़ाई करने के बाद तुरंत, तो बैक टू बैक वो उस जगह में बोला जाता है। बैक टू बैक का मतलब क्या है, एक काम के तुरंत उसके बाद अगर कोई काम किया जाए तो उसे हम बोलते हैं बैक टू बैक वर्क। नेक्स्ट देखो, बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब क्या हो सकता है, जहाँ से प्रारंभ हुआ है वहीं पे पहुँच जाना। जैसे ये यहाँ से एक इंसान, आप फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और घुमा फिरा के यहीं पे पहुँच गए, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। मतलब आप जहाँ स्टार्ट किए वहीं पे पहुँच गए, चाहे रास्ता हो, चाहे काम हो, कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आप वर्क कर रहे हो, किसी एक काम मतलब कर रहे हो आप घर बैठ के, तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था बहुत मेहनत करने के बाद भी वहीं पे आप फिर से पहुँच गए, आपको कुछ मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसे बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। बैड ब्लड का मतलब क्या है, बैड ब्लड का मतलब है दोस्तों पुरानी दुश्मनी, जिसके साथ अगर आपका पुरानी दुश्मनी है तो उसे हम बोलते हैं बैड ब्लड, उसके लिए मुहावरा यूज किया जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरा है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ मुहावरा है जो इंग्लिश में है, लेकिन इस चीज़ से सब लोग डरते हैं। यही अगर हिंदी में होता तो सबको समझ में आ जाता, इंग्लिश में है तो सब लोग डर रहे हैं, तो आपको बस इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है डेली, मतलब डेली बेसिस में, तो ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी फिर बाद में। बैड एग का मतलब क्या है, बैड मतलब गलत मतलब खराब होता है, और एग मतलब अंडा होता है, लेकिन यहाँ पे अंडे की बात नहीं किया जा रहा है,
यहाँ पे बैड एग मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है। बैड एग का मतलब क्या है? बुरा इंसान या बुरा व्यक्ति। बैड हैट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मतलब बुरा व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है, ठीक है, जानबूझ के वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर जो क्रिएट करता है, सो उस बुरा व्यक्ति को, उस बुरे इंसान को, उस बुरे पर्सन को बोलते हैं बैड हैट्स। बैड माउथ का मतलब क्या है दोस्तों? दूसरे के बारे में खराब बातें बोलना। अब देखो माउथ है, ये मुंह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे माउथ मुंह से रिलेटेड है, तो हम क्या मुंह से बोलते हैं? तो बैड माउथ का मतलब क्या है? दूसरे के बारे में खराब बातचीत करने को हम बोलते हैं बैड माउथ। बैकेस्ट डजन का मतलब क्या है? बैकेस्ट डजन का मतलब है दोस्तों 13, ठीक है। ये जो 13 नंबर है इसे हम बोलते हैं बैकेस्ट डजन। नॉर्मली डजन क्या होता है? डजन मतलब हम 12 जानते हैं। जैसे हम बोलूंगा कि डजन केले लेके आओ, तो आप 12 केले लेके आओगे, तो 12 नंबर को एक डजन बोला जाता है। लेकिन जो बेकर्स होते हैं, बेकर्स लोग के लिए डजन है 13 नंबर, ना कि 12 नंबर। तो यहाँ पे याद रखो ये बहुत ही ईजी है, बेकर्स नंबर, बेकर्स डजन मतलब क्या है? 13। तो डजन 12 याद है आपको, तो क्या करना है, एक इसको बढ़ा देना है, बेकर्स डजन मतलब 13। नेक्स्ट क्या देखो, बी फेड अप विथ, इसका मतलब क्या है? बी फेड अप विथ का मतलब है दोस्तों उब जाना या परेशान हो जाना, ठीक है। मतलब आप बहुत ही मतलब इरिटेट हो जाना, जैसे हम बोल सकते इंग्लिश में अगर बोले तो इरिटेट होने को हम बोलते हैं बी फेड अप, ठीक है। फेड अप हो गया मतलब आपका जितना एनर्जी है ड्रेन हो गया है, तो उस हिसाब से इसको याद रख सकते हो कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्या देखो, बी फिनिश्ड विथ, इसका मतलब क्या होता है? बी फिनिश्ड विथ का किसी कार्य को समाप्त करना, कोई चीज़ को। यहाँ पे मैं हिंदी में आपको मीनिंग बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट दोस्तों हिंदी में ही है, इंग्लिश मतलब जो साउथ इंडियन से उनका नंबर कम है मेरे चैनल पे, और उन लोग जुड़ेंगे भी कम, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ही रहता है हमेशा। मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि हिंदी वाले सेक्शन ज़्यादा है और मेरा कनेक्शन भी हिंदी लोगों के साथ ज़्यादा है। अब दो दो लैंग्वेज में वीडियो नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बाकी सारे बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए मैं जो नॉर्मल है जो इंग्लिश जो हिंदी वाले वीडियो में बना देता हूँ। अभी हिंदी में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है इंग्लिश में, तो दोनों यहाँ पे हेल्प हो जा रहा है, इंग्लिश वालों को भी हेल्प हो रहा है और हिंदी वालों को भी हेल्प हो रहा है। अगर जो इंग्लिश वाले साउथ इंडियन मेरे भाई बहन जो है, अगर उनको थोड़ा भी हिंदी समझ में आ रहा है ना, तो वो बेस्ट है, ये चैनल उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। बी फिनिश्ड विद का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों? किसी कार्य को समाप्त करने को हम बोलते हैं, किसी कार्य को फिनिश करने को हम बोलते हैं बी फिनिश्ड विद। नेक्स्ट क्या देखो, बी इन द आई, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है? समस्या या परेशानी का केंद्र में, कोई भी परेशानी। स्टॉर्म का मतलब क्या है? तूफान। आई का मतलब क्या है? आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब क्या है? ये जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये एक साइक्लोन है, तो बीच में इसका आई होता है, मतलब जहाँ से ये क्रिएट हो रहा है ये साइक्लोन, तो आई ऑफ स्टॉर्म, तो स्टॉर्म का भी बीच में एक आई होता है जहाँ से वो स्टॉर्म क्रिएट हो रहा होता है। तो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब जो समस्या का जो केंद्र है ना, वहाँ पे होने को हम बोलते हैं बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, बी टेकन बैक, बी टेकन ए बैक का मतलब क्या है? इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, सरप्राइज होना। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास 7 उंगली है, मतलब एक हाथ में 7 उंगली है, तो पहली बात तो हंसोगे आप, फिर अगर आप देख लिया आपने मेरे हाथ में 7 उंगली है, तो क्या करो, क्या होगा आपका? आश्चर्यचकित हो जाओगे आप, सरप्राइज हो जाओगे आप। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मुहावरे में इंग्लिश में बी टेकन ए बैक। अब ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इसको रटना नहीं, इसको रट नहीं पाओगे आप, रटने की कोशिश करोगे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बाकी भी सेक्शन कवर नहीं हो सकते, तो इसको रटना नहीं है, इसको रेगुलर बेसिस में रूटीन में डेली डेली पढ़ते रहना है, तभी ये सब याद रहेंगे। और पढ़ने के टाइम ध्यान से पढ़ना है, कनेक्ट करके पढ़ना है, और ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप एटलीस्ट वीडियो देख के आप सुन के याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉट बैट एन आईलिड, बैट एन आईलिड का मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारा आईलिड है, पलक, जो हमारा आंख का जो पलके होते हैं, पलके झुक मतलब हम ये करते हैं, मतलब आंख जब बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं बैट एन आईलिड। लेकिन नॉट बैट एन आईलिड का मतलब क्या है? आंख बंद नहीं करना। अब ये इसका मतलब तो आंख बंद नहीं करना होता है, लेकिन इस इडियम का मतलब आंख बंद करना नहीं है, इडियम कुछ अलग ही मीनिंग से यूज किया जाता है यहाँ पे, हमारे डे टू डे लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन से रिलेटेड होता है इडियम, जो मुहावरे होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि हाथ पैर मारना, अब हाथ पैर मारना
का मतलब सिर्फ हाथ पैर मारना नहीं होता है, मतलब आप हाथ पैर कहीं पे जाके मार नहीं रहे हो सच में, उसका मतलब कुछ अलग ही मीनिंग में होता है। तो वैसे ही सारे इडियम्स जो मुहावरे इंग्लिश में, वो भी अलग ही मीनिंग में होते हैं। तो आँख, आप यहाँ पे नॉट बैट एन आईलिड का मतलब क्या है, आप आँख खुले रख रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अब जो मरीज, जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमा में चले गया, वो आँख पल के जो मतलब आँख बंद नहीं करता है वो, या बंद है तो बंद ही रहता है, अगर खोल के रखा हुआ है तो बंद नहीं करता है, तो नो रिएक्शन, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। जो रिएक्शन करते हैं वो आंखें बंद करके खोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो नॉट बैट एन आईलिड का मतलब क्या है, नो रिएक्शन, याद रखो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। ऐसे स्पीड में लिख ले रहा हूँ तो हैंड राइटिंग यहाँ पे सही नहीं है मेरा। नेक्स्ट देखो, बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब क्या है दोस्तों, फ्रूट पाना मतलब क्या है, सफल होना। तो याद रखो इसको, सफल होने को या किसी चीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिला है तो उसको हम बोलते हैं बियर फ्रूट। नेक्स्ट क्या देखो, बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है बुरा परिणाम भुगतना, बुरा रिजल्ट भुगतना। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही होगा, गलत ही होगा। तो गलत रिजल्ट या बुरा परिणाम भुगतने को हम बोलते हैं बियर द ब्रंट। नेक्स्ट क्या देखो, बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब क्या है, बियर द पाम का मतलब है प्रमुख या प्रसिद्ध होना, ठीक है, फेमस होना, क्या होना है, फेमस होना, फेमस, बियर द पाम का मतलब क्या है, फेमस बनना या फेमस होने को हम बोलते हैं बियर द पाम। नेक्स्ट क्या देखो, बीट ए रिट्रीट, बीट ए रिट्रीट का मतलब क्या हो सकता है, किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना, ठीक है, खतरे के कारण। अगर कहीं पे आपको खतरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि उस जगह में खतरा है, तो वहाँ से आप जल्दी से भाग के आ जाते हो ताकि आपको कुछ हो ना जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं मुहावरे में, बीट ए रिट्रीट। देखो ये जो इडियम्स एंड इडियम्स हैं, दो टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं, एक है कि सेंटेंस में आ सकता है और एक डायरेक्ट पूछ सकता है। कब कैसे आ सकता है, तो आपको ये डायरेक्ट वाला ही प्रिपेयर करना हमेशा सही रहता है, क्योंकि आप सेंटेंस में क्या होता है, अभी इसी को मैं सेंटेंस में लिख दूँ तो ये बहुत ही इजी है पहचानना, आपको रटने की जरूरत नहीं है कोई, मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के हमको उस इडियम का मतलब समझ में आ जाता है। लेकिन अगर बिना सेंटेंस का दे दे तो वहाँ पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए उस मीडियम का मीनिंग क्या है, वरना आप चार ऑप्शन में से आंसर टिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है देखो, बीट एडिटेड का मैंने बता दिया क्या है, अगर खतरे के कारण किसी जगह से भाग के आ जाना। नेक्स्ट क्या देखो, बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बस का मतलब क्या है दोस्तों, मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, ठीक है, जैसे जिस चीज़ के ऊपर आपको पूछा गया है उस चीज़ को आप नहीं बोल के यहाँ वहाँ के बातें बोल रहे हो इग्नोर करने के लिए या साइड होने के लिए, उसे हम बोलते हैं बीट अबाउट द बस। नेक्स्ट क्या देखो, बीट ऑफ, बीट ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप मतलब दूर करना, ठीक है, आप किसी को दूर कर रहे हो या भगा कर, आप उसको मतलब पीट के मतलब मार के आप उसको भगा रहे हो, दूर कर रहे हो अपने से, उसे हम बोलते हैं बीट ऑफ। नेक्स्ट क्या देखो, एट बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों सेवा में हमेशा हाजिर। बैक एंड कॉल का मतलब क्या है, सेवा में हमेशा हाजिर, मतलब ऑलवेज प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑलवेज। जैसे जितने भी जो हमारे जो सर्विस में जो होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर के जो उनके सर्विस मैन होते हैं, जो नौकर होते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, एट बैक एंड कॉल, मतलब हमेशा वो सर्विस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हाजिर रहते हैं, जब भी वो कुछ बोले तो करने के तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, बी इन योर बोनेट, बी इन योर बोनेट का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, मधुमक्खी है। बोनेट का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉनेट का मतलब होता है एक हैट, आपने देखा होगा एक टाइप का हैट होता है जिसका एक रस्सी हम मतलब हमारे जो चिन्ह होता है फेस का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, हैट बना रहा हूँ, देखो ये हैट है, ये एक हैट है, एक इंसान ने इसको पहना हुआ है, ठीक है, एक इंसान इसको पहना हुआ है, ये इसका फेस है, और इसका जो एक रस्सी होता है ये इसका चिन्ह में ऐसे लग के इस तरफ लगे रहता है हैट का, इसको बोलते हैं बॉनेट, इस टाइप के हेड को बोला जाता है बॉनेट। तो बी इन योर बॉनेट का मतलब है कोई एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई चीज़ मिल गया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको आप उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, तो उस चीज़ को, उस स्थिति को, मतलब उस सिचुएशन को बोला जाता है बी इन योर बॉनेट, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक चल रहा है उसे हम बोलते हैं बी इन योर बॉनेट। नेक्स्ट क्या देखो, बैक द क्वेश्चन, बैक द क्वेश्चन का मतलब क्या है,
किसी चीज़ को सच मान लेना, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आप सच मान लेते हो, मतलब ट्रू मान लेते हो किसी चीज़ को, उसे हम बोलते हैं बैक द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या देखो, बिहाइंड द बार्स, बार के पीछे। बार का मतलब क्या है, ऐसे जाली जाली, उसके पीछे मतलब क्या है, जेल। अब बिहाइंड द बार्स बोला जाता है जेल को, ठीक है। किसी को अगर आप जेल में डाल रहे हो, जेल में, तो जेल में अगर हम बोलेंगे कि इंसान जेल में है, तो उसके लिए जेल में नहीं बोल के हम बोलते हैं बिहाइंड द बार्स इंग्लिश में, ठीक है। तो इडियम्स, इडियम्स जब हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का क्वालिटी बढ़ जाता है। तो इसलिए इडियम यूज़ किया जाता है, इसलिए फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। अगर बिहाइंड द बार्स की जगह पे मैं जेल यूज़ करूँ तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। अगर मैं जेल की जगह पे बिहाइंड द बार्स यूज़ कर दूँ, बिहाइंड बार्स यूज़ कर दूँ, तो वो सेंटेंस को क्या बन जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा। जब भी पढ़ेगा एग्जामिनर तो उसे लगेगा कि हाँ, ये बच्चा थोड़ा जानता है इंग्लिश का, अच्छा नॉलेज है इसके पास, तो इम्प्रेशन अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्या देखो, बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजे के पीछे। तो उसका मतलब क्या है, बंद दरवाजे के पीछे, गुप्त रूप से, सीक्रेट। क्या है, सीक्रेट, इसे हम बोलते हैं सीक्रेट। बिहाइंड द क्लोज डोर मतलब बंद दरवाजे के पीछे, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो सीक्रेटली कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं बिहाइंड क्लोज बार्स। नेक्स्ट क्या देखो, बेली अप, बेली अप का मतलब क्या हो सकता है, कोई चीज़ अगर दोस्तों खराब हो जाता है उसे हम बोलते हैं बेली अप। कोई भी चीज़ हो, कोई काम हो या कोई चीज़ हो, अगर वो चीज़ खराब हो जाता है उसे हम बोलते हैं बेली अप। नेक्स्ट क्या है देखो, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या है, देखो हम बेंड, इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अगर हम बेंड होना है तो हम सामने की तरफ बेंड हो सकते हैं, अच्छे से बेंड हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरली हम सामने की तरफ ही बेंड हो पाते हैं। अगर आप पीछे की तरफ बेंड हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप बहुत जोर लगा रहे हो, क्योंकि पीछे की तरफ हम नॉर्मली बेंड नहीं होते हैं। अगर पीछे की तरफ आगे के जैसे अगर बेंड हो जाओगे तो आपका कमर टूट जाएगा, मतलब आपको जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा जो टूट जाएगा। तो आप पीछे अगर बेंड होने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हो, तो सेम इसका मतलब यही यही पे यही है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब हर संभव प्रयास करना, मतलब जितना आपका कैपेसिटी है पूरा कैपेसिटी लगा देना, पूरा जोर लगा देना उस काम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। हिंदी में क्या है इसका मतलब, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब क्या है दोस्तों, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है नॉट रिलेटेड। क्या है, नॉट रिलेटेड। अभी जैसे मैं आपको आपको चाहिए कि एग्जाम का स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए एसएससी सीजीएल का स्ट्रैटेजी और मैं आपको बताऊंगा बैंक का स्ट्रैटेजी, अब आपके लिए वो क्या है, बिसाइड द मार्क है, मतलब आपके लिए वो रिलेटेड नहीं है, तो इस चीज़ को बोलते हैं बिसाइड द मार्क। तो नॉट रिलेटेड, जो हमारे रिलेटेड नहीं है, उसे मुहावरे में इंग्लिश में बोला जाता है बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट देखो, बिसाइड देमसेल्व्स, बिसाइड देमसेल्व्स का मतलब क्या है, बिसाइड देमसेल्व्स का मतलब होता है दोस्तों एंग्सियस। क्या होता है, एंग्सियस, एंग्सियस का मतलब क्या है, चिंतित, ठीक है, बेचैनी। तो बेचैनी या आप चिंतित हो, तो उसे हम बोलते हैं मुहावरे में इंग्लिश में बिसाइड देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्या देखो, बिसाइड योर सेल्फ, बिसाइड योर सेल्फ का मतलब क्या है, देखो लगभग सब बिसाइड 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 आएंगे, लेकिन मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाता है वर्ड्स के साथ साथ। बिसाइड योर सेल्फ का मतलब होता है बहुत नाराज, आप किसी पे बहुत ज़्यादा नाराज हो, तो एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर वो जो बहुत नाराज वाला वर्ड के लिए इडियम यूज किया जाता है बिसाइड योर सेल्फ, ताकि उसका क्वालिटी बढ़ जाए। समझ में आया, बेटर हाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेटर हाफ ये सबको पता ही होगा, बेटर हाफ मतलब जो हमारे जो वाइफ होते हैं या हस्बैंड होते हैं। अगर आप एक लड़की हो तो आपका जो हस्बैंड है वो आपका बेटर हाफ है, अगर आप एक मेल हो तो आपका जो वाइफ है वो आपकी बेटर हाफ है। बेटर हाफ मतलब हमारा आधा, अर्धांगिनी जैसे बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं बेटर हाफ। नेक्स्ट देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इसका मतलब ये है, मतलब एक तरफ डेविल है, राक्षस है, और एक तरफ क्या है, बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा समुंदर है, आप बीच में फंसे हुए हो, इसका मतलब यही है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो आप बीच में फंस के रह गए हो। तो इस चीज़ का, इस मुहावरे का वही मीनिंग यहाँ पे है हिंदी में, लेकिन बस वो कुआं खाई की जगह पे उसने डेविल और डीप ब्लू सी यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट देखो, बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या है दोस्तों, बियॉन्ड द पेल का मतलब है सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी के रिलेटेड में नॉट एक्सेप्टेबल,
जैसे कि एक लड़का एक लड़की, एक मेल फीमेल बिना शादी के सोसाइटी में रखते नहीं हैं, ठीक है। लॉज वगैरह में, होटल वगैरह में आजकल वो रह सकते हैं, लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सोसाइटी में लोग नहीं रखते। आप जाओ, आप मतलब अगर बिना मैरिड आप किसी को शादी नहीं करके उसको एक लेके जाओ, अपने पार्टनर को आपको लेके जाओ किसी सोसाइटी में रहने के लिए, वो आपको सोसाइटी में अलाउ नहीं करेंगे। देखो बड़े बड़े अपार्टमेंट में लिखा रहता है, अपार्टमेंट में लिखा रहता है कि नॉन मैरिड कपल्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको अलाउड नहीं है। तो जो चीज़ मतलब सोसाइटी के लेवल में एक्सेप्टेबल नहीं है उसे हम बोलते हैं बियॉन्ड द पैल। नेक्स्ट देखो बिग बक्स। बिग बक्स का मतलब क्या है? बिग बक्स का मतलब होता है दोस्तों बड़ा धन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा या बड़ा धन को हम बोलते हैं बिग बक्स। बक्स का मतलब होता है पैसा और बिग का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा पैसा या बड़ा धन को हम बोलते हैं बिग बक्स। बिग फिश का मतलब क्या है? बड़ा मछली। तो बड़ा मछली, यहाँ पे मछली के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बड़ा मछली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, वो क्या है? बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इम्पॉर्टेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लोग होते हैं, जो इंसान लोग होते हैं, उन्हें बिग फिश बोला जाता है, मतलब इडियम में, मुहावरे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है उस एरिया के लिए, उस वर्क के लिए। नेक्स्ट क्या है देखो, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है दोस्तों? अब बर्ड का व्यू क्या होता है? वो मतलब बहुत ही पूरा कंसंट्रेट करके देखता है, बहुत ही मतलब बारीकी से देखता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब वही होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके देखना, या मतलब बहुत ही फोकस करके देखना। और एक मतलब ये भी बन सकता है इसका, बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि ओवरऑल ही देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बर्ड का आँख कैसे देखता है? बहुत ऊपर होता है बर्ड, तो वो पूरा मतलब बहुत ही वाइड एरिया वो देख पाता है। तो बर्ड्स आई व्यू हम उसे भी बोल सकते हैं। मतलब हम ऐसे जगह में हैं, अगर हम पूरे टेरेस के ऊपर चले जाते हैं तो हमको बहुत ही बड़ा इलाका हमको दिखता है आँख में। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट क्या है देखो, बर्ड ब्रेन। बर्ड का ब्रेन, एक चिड़िया का ब्रेन, उसका मतलब क्या है? अब बर्ड का ब्रेन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अब छोटा ब्रेन मतलब क्या है इसके लिए? मूर्ख, इसे मूर्ख बोला जाता है। तो मूर्ख, जो स्टूपिड के लिए हम यूज़ करते हैं मुहावरा बर्ड ब्रेन, क्योंकि बर्ड का ब्रेन बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्या देखो, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसका मतलब क्या है? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब है दोस्तों एक ही प्रकृति के व्यक्ति। समझ में आया? एक ही प्रकृति के व्यक्ति मतलब एक टाइप के नेचर, एक टाइप की बिहेवियर टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। नेक्स्ट क्या देखो, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आप जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा अगर आप चबा रहे हो। तो यहाँ पे चबाने की बात नहीं किया जा रहा है, लिखा तो है चबाने की बात, बाइट करने के मतलब आप च्यू करने के बात में बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लिटरली मीनिंग में नहीं लेना है इडियम को आपको कभी भी। इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है किसी सिचुएशन, मतलब सेम टाइप की मीनिंग किसी दूसरे सिचुएशन के बारे में बात किया जाता है, यही आपको समझना होगा इस इडियम में। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही आप काम करो। अगर आप जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप काम करोगे उसे हम बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आपका कैपेसिटी से बाहर आप काम कर रहे हो। मतलब जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अगर चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो उसे हम बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट क्या देखो, बाइट द बुलेट। अब दोस्तों बुलेट को आप चबाओगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको हार मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब भी उसी मीनिंग में बनता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि आप टाल नहीं सकते उस सिचुएशन को, तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं बाइट दी बुलेट, क्योंकि बुलेट को आप मतलब आप ये नहीं कर सकते, उसको आप टाल नहीं सकते, तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देखो, बाइट दी डस्ट। बाइट दी डस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? नष्ट हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना। कोई चीज़ अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं बाइट दी डस्ट। नेक्स्ट क्या देखो, बाइट योर लिप, अपना ही लिप्स को, अपना जो लिप होता है, होंठ को, उसको बाइट करना, उसका मतलब क्या है? मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना? आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, उसको बोलते हैं बाइट योर लिप। आप अपने होठों को चबा के रखे हो, उसका मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, बाइट योर लिप का मतलब होता है वही। नेक्स्ट क्या देखो, बाइट योर टॉन्ग,
अपना जो जीव होता है उसको बाइट करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दोस्तों, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो जाए। मतलब आप केयर कर रहे हो किसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते ताकि किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे उस चीज़ से। उस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं बाइट योर टॉन्ग, क्योंकि आप अपने जीव को ही बाइट कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलना चाहते, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगले मतलब आप चा मतलब ये नहीं चाहते कि अगले वाला, जो सामने वाला, वो नाराज हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, गुस्सा अपने जीभ में निकाल रहे हो, जीभ को बाइट कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स का मतलब क्या है दोस्तों? वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोचा करो, बिट्स एंड बॉब मतलब हर इडियम्स का मीनिंग खुद से सोचा करो और फिर देखो कि मैं उसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बिट्स एंड बॉब्स का मतलब होता है दोस्तों छोटी छोटी अनेक चीज़ें, कोई भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बोलते हैं बिट्स एंड बॉब्स। अब कोई भी छोटे छोटे चीज़ों को मिला के बड़े चीज़ बनते हैं, तो छोटे छोटे चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उन छोटे छोटे चीज़ों को बोला जाता है बिट्स एंड बॉब्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बिट्स एंड बॉब्स, देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, इसको काट देते हैं। बिट्स एंड बॉब्स अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बिट्स एंड बॉब्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक एंड ब्लू, काला और ब्लू। अब इसका आंसर में काला और ब्लू होगा तो उसको टिक नहीं कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहाँ पे नहीं बताना है, आपको इसका मुहावरे का मीनिंग बताना है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? बुरी तरह से मार खाया हुआ, ऐसा मार खाया है कि उसको सारे चारों तरफ सिर्फ ब्लू और ब्लैक ही दिख रहा है। तो बहुत ही बुरी तरह से अगर आप मार खाए हो तो उस स्थिति को बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट क्या देखो, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब क्या है? इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटेन। क्या है? इन रिटेन। अगर मैं आपको कोई भी लिखित फॉर्म में दूं, रिटेन फॉर्म में अगर आपको कोई कुछ देता है तो उसे बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। मैं अगर आपको बोलूं कि गिव मी दैट डॉक्यूमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको फोटो खींच के उसका ब्लैक एंड वाइट करके देना, नहीं, उस डॉक्यूमेंट को आपको इन रिटेन फॉर्म में मेरे को देना है, वो मैं आपको मांग रहा हूँ। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है? इन रिटेन फॉर्म या लिखित रूप से। नेक्स्ट या देखो, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप, आपने सुना होगा बचपन में पोइम हम पढ़ते थे। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लैक शिप का मतलब होता है, ब्लैक शिप उनको बोला जाता है जो कुटिल व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मतलब अब ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कुटिल प्लानिंग बनाते हैं, दूसरों को कैसे गड्ढे में डाला जाए, कैसे फंसाया जाए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस टाइप के प्लानिंग बनाते हैं, तो उन उस टाइप के व्यक्ति को, उस टाइप के पर्सन को बोला जाता है ब्लैक शिप। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लेज ए ट्रेल, इसका मतलब क्या है? ब्लेज ए ट्रेल का मतलब होता है दोस्तों कोई एक इम्पॉर्टेंट काम, ठीक है, कोई एक इम्पॉर्टेंट काम, इम्पॉर्टेंट वर्क जिसे सब लोग फॉलो करें, जिसे क्या करें, सब लोग फॉलो करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं ब्लेज ए ट्रेल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है मूवमेंट कावेरी कॉलिंग। कावेरी कॉलिंग मतलब उसमें क्या है, इसका एम क्या है कि ट्रीज लगाना है, 242 मिलियन करोड़ ट्रीज लगा, सॉरी 242 करोड़ ट्रीज लगाने का इसका एम है, इस मतलब इस मूवमेंट का। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, इम्पॉर्टेंट वर्क है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम पेड़ नहीं लगाएंगे, अभी अगर मतलब अभी इस सिचुएशन में अगर हम फॉरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे फिर से, तो ग्लोबल वार्मिंग उस लेवल तक चला जाएगा कि साइक्लोन, तूफान, स्टोम, फिर मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगेंगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लेज ए ट्रेल का मतलब क्या है? कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्क जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लेसिंग इन डिसगुज। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? आशीर्वाद। इन डिसगुज का मतलब क्या है? कि नकाब भरा, नकाब में आपको ब्लेसिंग मिला है, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है आपको आशीर्वाद मिला है, लेकिन आपको बाद में वो पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि वो काम मतलब आपको रिजल्ट नहीं देगा, मतलब उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एंड में थोड़ा दिन मतलब आप 1-2 महीना 4 महीना काम करने के बाद आपको फिर आपको लगने लगता है कि हाँ इसमें रिजल्ट मिल रहा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ब्लाइंड टू, इसका मतलब क्या है? ब्लाइंड टू का मतलब होता है दोस्तों अनजान। क्या होता है? अनजान, नेग्लिजियंट। नेग्लिजियंट ई है, ठीक है, GIENT। ब्लाइंड टू मतलब क्या है? अनजान। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लिंक ऑफ एन आई। अब हम आँख को ब्लिंक करते हैं, ठीक है, बंद करके खोलते हैं, उसका मतलब क्या है? पलके, मतलब हम आँख बंद करके, इतना स्लो नहीं होता है ये एक्ट, बहुत ही फास्ट होता है, फट से बंद करके हम खोल देते हैं,
तो ब्लिंक ऑफ एन आई उस चीज को इंडिकेट किया जाता है जो काम तुरंत हो, ठीक है, क्षण भर में या तुरंत जो काम होता है उसे हम बोलते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। मतलब मैं इतना स्पीड वो काम हो गया कि उस चीज को हम इंडिकेट करते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ, हम उसको रिलेट करते हैं। ब्लो बाय ब्लो का मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरा डिटेल में बताना एक एक करके। ब्लो बाय ब्लो का मतलब क्या है? इन डिटेल, इन डिटेल, एक एक करके पूरा डिटेल में बताने को हम बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या है? मतलब आप एक साथ हॉट भी दे रहे हो और कोल्ड भी दे रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब क्या हो सकता है? आप सोचो, मतलब अपने आप से सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब है अपने विचार, मतलब आपके जो डिसीजंस है, आपका जो मतलब चिंता विचार है, आपका जो मतलब आपने डिसीजन लिया है उसको आप बदल रहे हो। मतलब आज एक बोला आपने कि आज मैं ये बनूंगा, फिर कल बोला कि नहीं नहीं मैं ये करूंगा, आज मैं डॉक्टर पढ़ूंगा बोला आपने, फिर कल जाके बोला कि आपको इंजीनियरिंग करना है, फिर परसों बोलेगी कि मेरे को नहीं, मेरे को और ही कुछ करना है, बिजनेस करना है। तो इसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आप मतलब फिक्स नहीं हो, आप चेंज कर रहे हो अपना डिसीजन बार बार, तो इसे बोला जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब है अपना तारीफ खुद करना, ठीक है, अपना बढ़ाई या अपना मतलब अपने आप को उठाना सबसे ऊपर कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अपने आप को उठाने को हम बोलते हैं, अपने आप को मतलब बढ़ाई बताने को बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट देखेंगे ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या है दोस्तों? ब्लो ओवर का मतलब है बीत जाना, ठीक है, कोई भी समय है, अगर कोई भी समय हो, समय अगर अभी का समय अगर बीत जाए तो इसे हम बोलते हैं ब्लो ओवर, मतलब ये समय बीत गया। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लू ब्लड। अब ब्लड क्या होता है? रेड होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू ब्लड के बारे में बात किया जा रहा है, इसका मतलब है रॉयल फैमिली, ठीक है, रॉयल फैमिली आपका अगर है तो आपको बोला जाएगा ब्लू ब्लड, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो ब्लू है। अब ब्लू जो चिन्ह है, ब्लू जो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? रॉयल को इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा इंग्लैंड का जो उनका कलर होता है वो रॉयल ब्लू होता है हमेशा, क्योंकि ब्लू चीज़ को हमेशा, ब्लू कलर को रॉयल बोला जाता है हमेशा। तो ब्लू ब्लड मतलब उसका ब्लड है वो रॉयल फैमिली या रिच फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसे ब्लू ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय मतलब इसका हिंदी में मतलब है इस मुहावरे का, जिसका आंखों का तारा, मतलब अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारा है तो उसे हम बोलते हैं ब्लू आइड बॉय, मतलब किसी का फेवरेट पर्सन, ठीक है, अगर आपका फेवरेट कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट मतलब सेलिब्रिटी है, मतलब जो बॉलीवुड एक्टर है या हॉलीवुड एक्टर है, तो आपके लिए वो कौन है? ब्लू आइड बॉय है या ब्लू आइड मैन है। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट मतलब क्या है? बिजली फ्रॉम द ब्लू। अब देखो, आसमान अगर ब्लू है तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बिजली गिरेगा। बिजली कब गिरता है? जब बारिश का मौसम, बादल होते हैं तब बिजली गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन ब्लू है मतलब बादल ब्लू है, फिर भी वहाँ से बोल्ट निकल गया, मतलब फिर भी बिजली गिर गया, तो क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड हुआ, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। तो बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब भी वही है, जो चीज़ अचानक हो जाता है, अनएक्सपेक्ट थिंग को, अनएक्सपेक्टेड थिंग को हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, शॉकिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? शॉकिंग। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब शॉकिंग, क्योंकि ब्लू से, ब्लू आकाश से, ब्लू बादल से बोल्ट कभी नहीं निकल सकते। नेक्स्ट देखो, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या है? कोई भी झगड़ा, कोई भी फाइटिंग का कारण बनने, जो अगर कारण है तो उस कारण को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि झगड़ा का रीजन वही है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई चीज़ हो सकता है, जो चीज़ या जो इंसान झगड़े का कारण बनता है तो उस इंसान या उस चीज़ को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट क्या देखो, बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। अब मुंह में सिल्वर स्पून के साथ अगर कोई बॉर्न हुआ है तो किसे बोला जाता है? ये मुहावरा उसको बोलते हैं जो मतलब पैदा इसी रिच फैमिली में जो पैदा हुआ है, ठीक है, जो इंसान रिच फैमिली में पैदा हुआ है, मतलब धनी परिवार में जो जन्म हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं, उस इंसान को या उस बच्चे को बोलते हैं बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, ठीक है, क्योंकि मुंह में वो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है,
तो उसका मतलब ही समझ जाओ कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली में पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्या देखो, मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है दोस्तों रोजी रोटी कमाना। ठीक है, आप रोजी रोटी कमा रहे हो, मतलब आप कुछ, आपका कुछ एम नहीं है, आप मतलब आपका लेवल उतना ये हो चुका है, मतलब जिन जिन लोगों का जो लेवल क्या होता है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उनका सबसे डिफिकल्ट उनके लिए बस यही है कि रोजी रोटी कमाना, बस सुबह एक खाने को मिल जाए और रात को खाने को मिल जाए, उनके लिए बहुत है। तो वही लोगों को बोला जाता है मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब रोजी रोटी कमाना। नेक्स्ट देखो बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब, बॉटम का मतलब नीचे होता है और लाइन मतलब नीचे का लाइन, तो बॉटम लाइन नीचे का लाइन को उसका मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ का या कोई भी वर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम बोलते हैं बॉटम लाइन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम बोलते हैं क्या, बॉटम लाइन। समझ में आया, क्योंकि बॉटम लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना बॉटम लाइन का कुछ नहीं हो सकता। तो बॉटम लाइन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ या कोई भी काम का इम्पॉर्टेंट पार्ट को बोला जाता है बॉटम लाइन, इसका मुहावरा है इंग्लिश में बॉटम लाइन। नेक्स्ट क्या देखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर किसे हम बोलते हैं दोस्तों, ब्रेड एंड बटर का मतलब है ए डिपेंडेबल, ए डिपेंडेबल, डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम। क्या है इसका मतलब, ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है जिस पे आप डिपेंड हो सकते हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। क्योंकि अगर आप इस पे डिपेंड नहीं रहोगे तो ये इनकम आपको नहीं मिलने वाला, तो इस पे अगर जो डिपेंड हो सकते हैं, मतलब डिपेंड रहने वाले सोर्स ऑफ इनकम पे हम बोलते हैं उस चीज़ को, उस सोर्स ऑफ इनकम को बोला जाता है ब्रेड एंड बटर। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, तो वो जॉब से जो इनकम हो रहा है उस पर मैं डिपेंड हूँ, तो मेरे लिए वो जॉब क्या है, ब्रेड एंड बटर है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बर्फ तोड़ने की बात नहीं किया जा रहा है, ब्रेक द आइस मतलब चार दोस्त बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, चार दोस्त बैठे और बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहला स्टार्ट करूँगा, पहला कन्वर्सेशन स्टार्टिंग, फर्स्ट कन्वर्सेशन में स्टार्ट करूँगा कि हाय कैसा है तू, क्या चल रहा है अपने तुम लोग को लाइफ में। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तो कोई भी कन्वर्सेशन या साइलेंस को तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने को हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्या देखो, ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को किताब पे लाना। आप किसी को किताब पे लाने कैसे लाओगे यार, मतलब ये उसी सेंस बनता ही नहीं है। इसका मतलब है सजा देना। ठीक है, ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या है, सजा देना या पनिशमेंट, इसको हम बोलते हैं पनिशमेंट देना। क्लियर। नेक्स्ट देखो ब्रिंग द हाउस डाउन, घर को नीचे लेके आना, इसका मतलब क्या हो सकता है, जोरदार प्रशंसा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हॉल में कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, और वो डांस प्रोग्राम ले लो, अब डांस इतना अच्छा किया कि लोग ताली से, मतलब वो हॉल पूरा मतलब गूंजने लगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, मतलब इतना जोर से ताली मारे कि घर पूरा नीचे आ गया। तो उस मीनिंग से, उस चीज़ से आप ऐसे लिंक कर सकते हो। तो ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या है, जोरदार प्रशंसा करना ताली मार के। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे लिंक किया जाता है, थोड़ा ऐसे आप अपने मन में लिंक करके, किसी चीज़ से अगर लिंक करके सोच लोगे ना, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ईजी है। आपको एग्जाम में चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको ऑप्शन वहाँ पे आंसर लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए ही मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लिंक करके रेगुलरली पढ़ते जाओ और आंखों से डेली निकालो, बस उतना इम्पॉर्टेंट, उतना अगर आप रेगुलरली करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। सो इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।